गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा टॉपिक था, वो था आपके वाक्य विचार। और आप जानते हैं वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्रिया के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे और तीसरा अर्थ के आधार पे। तो हमारा जो वाक्य हैं रचना के आधार पर चल रहा था। इस आधार पर जो वाक्य हैं तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला साधारण संयोग मिश्र, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। साधारण मिश्र और संयुक्त वाक्य। अब देखिए, जो मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्यों के कुछ भेद होते हैं। मिश्र वाक्य के कुछ भेद या उपभेद होते हैं, वो देखिए। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के भेद, मिश्र वाक्य में आश्रित जो उपवाक्य के भेद होते हैं वो तीन प्रकार के माने जाते हैं। तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला है आपके संज्ञा, आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। प्राय की से, प्राय की से प्रारंभ होने वाला, प्रारंभ होने वाला वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाता है। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसकी पहचान क्या होती है। प्राय जो, जिससे, जिससे, जिसका जिसकी जिन्हें जिनको जितना सॉरी जिनका जिनको इत्यादि शब्दों इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होने वाला वाक्य, इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होने वाला वाक्य कौन सा वाक्य माना जाता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाता है। तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इसकी पहचान क्या होती है। प्राय जैसा, जैसी, जैसे,
प्राय जैसा, जैसी, जैसे, जितना, जितने, जब, यदि, यद्यपि शब्दों से प्रारंभ होने वाला वाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाता है। नंबर तीन है अपना जो वाक्य है, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर। देखो बच्चों, इस आधार पर, इस आधार पर वाक्य आठ प्रकार के माने जाते हैं। इस आधार पर हिंदी भाषा में जो वाक्य है आठ प्रकार के माने जाते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य यानी जो सिंपल हो, साधारण वाक्य हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। निषेध का प्रयोग जिस वाक्य में किया गया है या नहीं शब्द जिस वाक्य में लगा हुआ है उसमें निषेधार्थक वाक्य माना जाता है। जैसे इसी का बना लेते हैं हम, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। नहीं शब्द लगते ही ये किसमें परिवर्तित हो गया वाक्य, निषेधार्थक के वाक्य। नंबर तीन है प्रश्नार्थक के वाक्य। प्रश्नार्थक के वाक्य इसमें आपने सर्वनाम पढ़ा होगा, सर्वनाम में एक सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, क्या, कब, कौन, किसे, क्यों, किस लिए, किसके, इन सारे शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर किसी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है तो उस वाक्य को कैसा या किस श्रेणी का वाक्य माना जाएगा, प्रश्नार्थक वाक्य माना जाएगा। जैसे इसी से हम प्रश्नवाचक शब्द बना लेते हैं, क्या राम पुस्तक के पढ़ता है, इस वाक्य को हमने प्रश्नवाचक वाक्य में बदल दिया, क्या राम पुस्तक के पढ़ता है। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक का मतलब होता है आदेश देना,
या आज्ञा प्रदान करना, जैसे बैठ जाओ या चले जाओ, आदेश देना हो गया। अगला है नंबर 5, विस्मयार्थक के वाक्य। विस्मयार्थक यानी किसी दृश्य को या किसी ऐसे स्थान को या ऐसी वस्तु को देख करके जब हम आश्चर्य प्रकट करते हैं तो उसमें विस्मयार्थक वाक्य माना जाता है। जैसे वह है कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है। अगला है नंबर 6, इच्छार्थक वाक्य यानी किसी भी प्रकार की इच्छा प्रकट करना। जैसे भगवान आपका भला करें, भगवान आपका भला करें, चलो शहर चलते हैं। इसमें इन दोनों वाक्यों में इच्छा प्रकट की गई है, इसी कारण से इसमें क्या माना, कौन सा वाक्य माना जाएगा, इच्छार्थक वाक्य माना जाएगा। नंबर 7 है आपके संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य यदि आप रोजाना 10 घंटे पढ़ोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, अवश्य सफल हो जाओगे। यदि तुम रोज 10 घंटे पढ़ोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। और नंबर 8 है संदेहार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। इसमें संदेह प्रकट किया जाता है, वह घर पहुँच गया होगा, वह घर पहुँच गया होगा या वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर अपने 8 प्रकार के वाक्य माने जाते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवां विस्मयार्थक वाक्य, छठा इच्छार्थक वाक्य, सातवां संकेतार्थक वाक्य और 8वां है संदेहार्थक वाक्य। धन्यवाद बच्चों।